हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक फॉर्मूला समझाए थे आप लोगों को, उस पर कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए थे। तो आज उस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमने जो लास्ट सेशन में किया था, एक बार उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। लास्ट क्लास में क्या किया थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक बार लास्ट क्लास का देखते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ फॉर्मूला समझाए थे, जैसे पहला x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x^(n+1)/(n+1+c), ये हमने किया था। इसी से फिर हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया था, इफ़ यू रिमेंबर, 1/x² का इंटीग्रेशन था -1/x+c, लर्न कर चुके हैं। फिर इसी से हमने एक फॉर्मूला और बनाया था, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या था, 1/√x का इंटीग्रेशन था 2√x+c। एंड लास्टली हमने पढ़ा था a क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बाजू में आप x लगा दें। ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे प्लस सी, आप देख लीजिएगा, उसके बाजू में आप x लगा दीजिएगा। तो ये सब हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। अब इस सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे? तो देखिए, 3 तो कांस्टेंट है, छेड़ना नहीं है, बाजू वाले का इंटीग्रेशन करना है। 3 के बाजू में क्या लिखा है, x^1, तो इंटीग्रेशन हो गया x^2। 7 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके बाजू में x लग जाएगा। एक और देखिए, मान लो आपसे कोई कहे इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए α(x+β) का, तो कैसे करेंगे? अल्फा तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, बाजू वाले का इंटीग्रेशन। अल्फा के बाजू में कौन बैठा है, एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन हुआ x^2 प्लस बीटा तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके बाजू में एक्स लग जाएगा, इस तरीके से। एक और चीज़, इन क्वेश्चंस को ना कई लोग ऐसे भी कर लेते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ करके कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं इजीली, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिएगा। 2 को नहीं छेड़ना, 2 के बाजू में क्या है, एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन करिए, एक्स का इंटीग्रेशन हुआ x^2। 3 का इंटीग्रेशन हुआ 3x+c, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो वी लेफ्ट विद x^2+3x+c, ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को ना स्प्लिट कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, प्लस में और माइनस में इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया जा सकता है। स्प्लिट करने का मतलब, एक बार 2x dx लिख लो और एक बार 3 dx लिख लो, इंटीग्रेशन को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों करना है बाद की बात है, बट कर सकते हैं, करना चाहे तो ठीक है। अब ये जो 2 है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को ना आप इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हो, हमेशा कर सकते हैं ऐसा। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। लाइकवाइज अगर आप चाहो तो 3 को भी बाहर ले आओ, अंदर क्या रह गया, 1 dx। अब 2 तो बाहर है, उसका तो कुछ नहीं होना, अंदर क्या लिखा है, एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x^2। 3 को तो छेड़ना नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x+c, कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया। यही आंसर हमने खुद से भी निकाला था। तो कई लोग ऐसे कर लेते हैं, कई लोग ऐसे स्प्लिट करके करते हैं। अब सवाल ये है कि स्प्लिट करना क्यों है, देख लेंगे क्यों करना है, आएगा आएगा, बट मतलब दिस इज द वे, ऐसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे आइए। अब एक नया फॉर्मूला आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, इसको अपने फॉर्मूला लिस्ट में ऐड कर लेना, कि भाई 1/x का इंटीग्रेशन होता है log(x+c). 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log(x+c). अब 1/x को थोड़ा सा यहाँ साइड में अंडरस्टैंड करते हैं। अब 1/x का मतलब log(x+c). तो ध्यान से सुनना। अब कोई लोग कहेंगे कि सर ये 1/x को log(x) क्यों लिखना, ये तो x^1 है, आप इसको ऊपर ले जाओ पावर को, तो ये x^n बन जाएगा। अगर ये x^n बन गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x^(n+1)/(n+1+c). और ऐसा करते ही नोटिस करिए डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0। और जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आ गया, मतलब अनर्थ हो गया, मतलब नीचे 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स जब जब डिनोमिनेटर में x^1 होगी, आप इसे ऊपर नहीं लेके जा सकते। इसीलिए जब भी 1/x लिखा हो और नीचे x^1 कितना हो, 1, तो उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा log(x), याद रखना।
डिनोमिनेटर में कभी भी x का पावर 1 हो तो आंसर हमेशा log x आएगा, ठीक है। आप पावर को ऊपर लेके जाना है वो तभी कर सकते हो जब वो पावर 1 ना हो, जैसे अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखा है तो शौक से पावर ऊपर लेके जाइए, किसने रोका है, इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। जैसे 1 अपॉन एक्स का पावर 1/11 लिखा हो ऊपर लेके जाइए पावर, कोई इशू नहीं है, बट जब कभी भी डिनोमिनेटर में एक्स का पावर 1 होगा तो हमेशा क्या बनेगा, लॉग बनेगा, इसको आप ऐसे याद कर लो। तो कैसे याद करेंगे इसको, डिनोमिनेटर में अगर x का पावर 1 आया तो आंसर आएगा हमेशा log x। तो याद हो गया फॉर्मूला, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। आइए इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहला एग्जांपल, ये तो भाई डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो डिवाइड करो। डिवाइड का मतलब अलग अलग करके देख लीजिए इसको, एक बार ये इसके नीचे तो 1 आया, एक बार ये इसके नीचे तो कितना आ गया, 1/x। एक एक टर्म से बात करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, दिस इज 1 अपॉन x, देखिए नीचे x का पावर 1 है, तो जब जब नीचे x का पावर 1 तो log x बनेगा, तो ये 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x प्लस में c। और देखिए हाँ जी, ये देखिए भी इधर ध्यान से, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, बेसिकली होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, जब आपने इसको ओपन किया तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब आप 2ab करोगे रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, वी लेफ्ट विद 2 ओनली, चेक करिए। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, देखिए ये तो x का पावर 1 है, इट मीन्स ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, ये तो 1 अपॉन x है, नीचे x का पावर 1 है तो log x बनेगा, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस में c, बिल्कुल सिंपल है, आराम से हो जाएगा। और देखिए हाँ जी, ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करने का मतलब अलग अलग कर दो इसको, जब आपने इसको अलग अलग करा तो क्या मिला यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डीएक्स। अब आप एक हर एक टर्म से इजीली डील कर सकते हो, तो आ जाओ करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, दिस इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग एक्स प्लस में सी, बिल्कुल सिंपल है, आराम से बनेगा, आप देख लीजिएगा इसको। तो मैं हटा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने वाली चीज़ें बहुत आएंगी। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्या बताने चाह रहे हैं, एक शब्द बोल रहा हूं मैं इंग्लिश का, एक्सप्रेशन, तो जब भी मैं इंटीग्रेशन में एक्सप्रेशन वर्ड यूज करूंगा तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जानी चाहिए, एक्स प्लस ए टाइप की या फिर एक्स माइनस ए टाइप की, मतलब जब भी मैंने वर्ड बोला एक्सप्रेशन तो आप समझिए इस तरह की चीज की बात हो रही है, किस तरह की चीज की, या तो एक्स प्लस ए समझ लो या x माइनस है, जो तुम्हें ठीक लगे वैसा समझ लो, तो ऐसा पिक्चर आपके दिमाग में बनना चाहिए। तो अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनना, कोई भी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब इस तरह की चीज जो कि ये लिखी हुई है, कोई भी एक्सप्रेशन 1 अपॉन एक्स कब कहलाएगा, किसी भी एक्सप्रेशन को 1 अपॉन एक्स आप तब कह सकते हो जब उस एक्सप्रेशन में एक्स का पावर 1 हो, अगर तो x का पावर 1 है इसे हम 1 अपॉन x कह सकते हैं, अदरवाइज 1 अपॉन x नहीं कह सकते। एग्जाम्पल, मान लो मैं ऐसा लिख दूं, क्या इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 अपॉन x पढ़ा जा सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन x पढ़ने की शर्त क्या है कि x का पावर इसमें कितना होना चाहिए, 1, और यहां पे कितना है, 2, तो इसे 1 अपॉन x आप नहीं पढ़ सकते। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी एक्सप्रेशन 1 अपॉन x कब कहलाएगा, जब उसमें x का पावर 1 होगा। तो ध्यान से सुनना, क्या इस एक्सप्रेशन को 1 अपॉन x पढ़ सकते हैं, हाँ जी 1 अपॉन x पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में x का पावर कितना दिया हुआ है, 1, क्योंकि इसे 1 अपॉन x पढ़ सकते हैं, और मैं जानता हूं 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो अगर ये 1 अपॉन x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस में c। दोबारा और देखते हैं एग्जाम्पल्स,
क्या इस एक्सप्रेशन को 1/x पढ़ा जा सकता है? इस पूरी चीज को x पढ़ने की एक ही शर्त है कि यहाँ पे x का पावर कितना होना चाहिए, 1। अगर इसे 1/x पढ़ सकते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log x, as simple as that। अब आप सोच के जवाब दो, क्या इस एक्सप्रेशन को हम 1/x पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है और 1/x पढ़ने की शर्त क्या है? नीचे x का पावर 1 होना चाहिए। तो अगर इसे 1/x नहीं पढ़ सकते तो इसको log x नहीं लिख सकते, तो इसका इंटीग्रेशन हम अभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नीचे अभी हमने मैक्सिमम पावर 1 तक ही डील करना सीखा है। ये आएगा, अभी थोड़ी क्लासेस में आएगा कि जब नीचे x का पावर 2 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 3 हो जाएगा तो क्या करेंगे। अभी हाल फिलहाल देखते ही पता लग रहा है कैसे 1/x पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, तो आज के डेट पे इसका इंटीग्रेशन हम अभी तो नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखते रहिएगा चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी। ये a लिखा हुआ है, क्या इसे 1/x पढ़ा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, क्योंकि 1/x पढ़ने की एक ही शर्त है, x का पावर 1 होना चाहिए। अगर ये 1/x लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log x प्लस में c। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिएगा बस। हाँ जी, क्या इस एक्सप्रेशन को 1/x पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। इसे 1/x पढ़ने की एक ही शर्त है कि इसमें x का पावर कितना होना चाहिए था? 1। यहाँ पर x का पावर 1 है तो इसको 1/x पढ़ा जा सकता है। अगर इसे 1/x पढ़ा जा सकता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? log x प्लस c। अब याद कीजिए, लास्ट सेशन में जब मैं इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वहां मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, आफ्टर इंटीग्रेशन हमेशा x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, कि जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं उसके बाद हमेशा x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 3। तो आपको इंटीग्रेशन करने के बाद x के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये गलती करते हैं बच्चे। अब दिक्कत ये है कि यहाँ तो मैंने डिवाइड कर दिया, अब कोई कहेगा कि सर यहाँ भी तो x का कोफिशिएंट 3 था, यहाँ आपने डिवाइड क्यों नहीं किया? यहाँ x का कोफिशिएंट अल्फा था, यहाँ डिवाइड नहीं किया। यहाँ x का कोफिशिएंट था, यहाँ डिवाइड नहीं किया। यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो इसको अभी थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे, अभी हाल फिलहाल पहले इस पर कमांड करते हैं। देखिए भाई, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मुझे इंटीग्रेशन करना है इसका, सोच के जवाब दो, क्या इसे 1/x पढ़ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 1/x पढ़ने की एक ही शर्त होती है, पावर 1। अगर ये 1/x है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? log x प्लस में c। लेकिन यहाँ पे एक भूलने वाली चीज़ है जो बच्चे भूल जाते हैं, वो क्या है? x का कोफिशियंट। यहाँ पे x का कोफिशियंट कितना है? 5। तो आपको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आइए, हाँ जी, क्या इसे 1/x पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर ये 1/x है तो इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, इंटीग्रेशन हो गया। बट यहाँ पे भूलने वाली चीज़ क्या है? x का कोफिशियंट, और x का कोफिशियंट कितना है? माइनस अल्फा। तो इसको माइनस अल्फा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक आधा एग्जाम्पल और देखते हैं, मैं रब कर रहा हूँ इसको। हाँ जी, क्या इसे 1/x पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर ये 1/x है तो इंटीग्रेशन कितना होगा? log x प्लस में c। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है? 1। 1 से डिवाइड कर दो, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फायदा थोड़ी होता है, तो इसीलिए नहीं लिखते, लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और 1 से डिवाइड करके कुछ हासिल थोड़ी होता है। बट सोचो, यही चीज़ ऐसे ना लिख के एग्जामिनर ऐसे लिख के दे, तो ये 1/x लिखा हुआ है, डेफिनेटली लिखा हुआ है 1/x। अगर ये 1/x है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। इंटीग्रेशन तो कर दिया, लेकिन दिक्कत वाली चीज़ क्या है? यहाँ पे x का कोफिशियंट, और x का कोफिशियंट यहाँ पे कितना है? -1। तो इसको आपको -1 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है भाई? देखो, 1 से डिवाइड करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट -1 से तो पड़ता है ना, तो -1 से आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आफ्टर इंटीग्रेशन हमेशा x के कोफिशियंट से डिवाइड लगाएंगे। अब दिक्कत ये है कि सर कब लगानी है, कब नहीं लगानी, कब कोफिशियंट मानेंगे कब नहीं मानेंगे, वो समझते हैं। देखिए ना, यहाँ पे भी तो x का कोफिशियंट 3 था, तो यहाँ पे तो हमने डिवाइड नहीं किया बट वहाँ पे किया। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैं इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ।
मान लो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो वन अपॉन एक्स लिखा है, अगर ये वन अपॉन एक्स है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, और भूलने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशियंट उससे डिवाइड लगा दो प्लस में सी। अब इसको समझाते हैं, एक बार इसमें समझ में आ जाएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में, ध्यान से देखना। हाँ भाई, इसका इंटीग्रेशन हमने क्या किया, थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सेवन एक्स प्लस सी, यहाँ डिवाइड किया यहाँ नहीं किया। अब मेरी बात सुनो, कब कोफिशियंट होगा कब कोफिशियंट नहीं होगा, तो जो कोफिशियंट होगा ना वो हमेशा बंधा हुआ होगा, बंधा हुआ मतलब वो बाउंड होगा। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर आप हर एक टर्म से इंडिविजुअली बात कर सकते थे, आप 3x का इंटीग्रेशन इंडिविजुअल कर पा रहे हो, 7 का इंटीग्रेशन इंडिविजुअल कर पा रहे हो, बट वो काम आप यहां नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल टर्म है, ये पूरा सिंगल टर्म है, अलग अलग टर्म से बात नहीं हो सकती, अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, जो कि आप यहां कर पा रहे थे। इसका इंटीग्रेशन आपने कर दिया अलग से, इसका इंटीग्रेशन कर दिया अलग से, लेकिन ये पूरा एक सिंगल टर्म कंसिडर हो रहा है। अगर सिंगल टर्म कंसिडर हो रहा है तो एक्स के बाजू में तीन जो बैठा है वो चिपक गया एक्स के साथ, तो वो बाउंड हो गया एक्स के साथ, इसीलिए वो कोफिशिएंट कंसीडर हो रहा है। अभी मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना, इसको अगर हम चाहें तो अलग अलग हिस्सों में भी तो तोड़ सकते हैं ना, ये तीन तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सेवन कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू सेवन एक्स प्लस में सी, लेकिन ये वाला काम यहां तो नहीं किया जा सकता ना, इसको तो आप अलग अलग हिस्सों में नहीं तोड़ सकते ना, क्योंकि एक सिंगल टर्म बन गई, बंध गया वो एक्स के साथ तीन, उसके साथ इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते। अगर इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते तो फिर वो कोफिशियंट है, अगर एक एक टर्म से इंडिविजुअली बात हो सकती है तो फिर कोफिशियंट नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल और देने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो तो बाद की बात है, पहले कोफिशियंट को समझ लो एक बार। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा, एक एक्सप्रेशन ये लिखा है मैंने और एक एक्सप्रेशन मैंने ये लिखा है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या हर एक टर्म का इंडिविजुअल हो जाएगा? जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ए को नहीं छेड़ेंगे, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बी एक्स प्लस में सी, लेकिन ऐसा काम आप यहाँ नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट अंदर घुस के ए एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ी कर दोगे। अब ये पूरा एक सिंगल टर्म कंसिडर हो रहा है, अगर ये सिंगल टर्म कंसिडर हो रहा है तो एक्स का कोफिशियंट बन गया ए, तो सिंगल टर्म कंसिडर होगा तो वो कोफिशियंट बनेगा, तो कोफिशियंट हमेशा बंधा हुआ होगा, आप डायरेक्ट उस टर्म पर डील नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई बात? अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर भी बताना, दोबारा से क्लियर कर देंगे, और अभी इतने एग्जाम्पल्स करने, क्लैरिटी हो जाएगी, चिंता ना करो, ठीक है? तो कोफिशिएंट हमेशा बंधा हुआ होगा, डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंच सकते। ग्रेट, एक आधा एग्जांपल और देखते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को एनहांस करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखिए भाई, हाँ जी, क्या इसे 1 अपॉन एक्स पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर ये 1 अपॉन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस में सी, और भूलने वाली चीज क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट कितना है, अल्फा, तो अल्फा से आप डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है भाई, आगे बढ़िए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स प्लस में सी, और कोई भी चीज़ 1 अपॉन एक्स कब कहलाएगी, 1 अपॉन एक्स तब कहलाएगी जब वहाँ पर x का पावर कितना दिया हो, x का पावर 1 दिया हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए भाई, आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ पढ़ाई गई थी, रूट एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद है ना, एक्स का पावर एन है, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 3/2, 2/3 प्लस में सी, अब तो फॉर्मूले की तरह से याद हो गया होगा। तो अब उस चीज को एक स्टेप और फर्दर लेके चलते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को रूट एक्स कब कहेंगे, जब उस एक्सप्रेशन में एक्स का पावर 1 होगा। मतलब ध्यान से सुनना, क्या इस एक्सप्रेशन को रूट एक्स पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स का पावर 1 है। बट सोचो, अगर मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिख के दूं आपको, क्या इसे आप रूट एक्स पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि रूट एक्स पढ़ने की शर्त क्या है, एक्स का पावर कितना होना चाहिए, 1, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, क्या इस एक्सप्रेशन को रूट एक्स पढ़ा जा सकता है? डेफिनेटली पढ़ा जा सकता है। अगर ये रूट एक्स है तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका,
2 बाय थ्री एक्स प्लस वन का पावर 3 बाय टू प्लस में सी, खत्म हो गया। आगे चलिए। हाँ जी, क्या इसे रूट एक्स पढ़ा जा सकता है? बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। रूट एक्स पढ़ने की एक ही शर्त है कि अंदर एक्स का पावर कितना होना चाहिए, वन। अगर ये रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, टू बाय थ्री ए एक्स प्लस बी का पावर थ्री बाय टू प्लस में सी, इंटीग्रेशन हो गया। बट यहाँ पे एक समस्या है, एक भूलने वाली चीज है, क्या एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट क्या दिया हुआ है, ए। तो ए से आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा। सर ऊपर क्यों नहीं किया? अरे ऊपर एक्स का कोफिशियंट वन था, वन से क्या ही डिवाइड करना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये आपको देखते ही पता लग जाएगा कोफिशियंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये बाउंड है ना, आप डायरेक्टली अंदर कूद के ax से तो बात नहीं कर सकते ना, ये पूरा एक सिंगल टर्म कंसीडर हो रहा है। अगर ये पूरा सिंगल टर्म है तो फिर ये x का कोफिशियंट है, बाद में इससे डिवाइड करना पड़ेगा। और देखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा लिख दिया, क्या इसे रूट एक्स पढ़ ले? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर ये रूट एक्स है तो इंटीग्रेशन टू बाय थ्री एक्स माइनस थ्री का पार थ्री बाय टू प्लस में सी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ जी, क्या ये रूट एक्स लिखा है? बिल्कुल लिखा है। अगर ये रूट एक्स है तो इंटीग्रेशन टू बाय थ्री वन माइनस एक्स का पार थ्री बाय टू प्लस में सी। बट यहाँ पे भूलने वाली चीज़ क्या है, एक्स का कोफिशियंट जो कि माइनस वन है, आप माइनस वन से इसको डिवाइड लगा देंगे। सिंपल सी चीज़ है, आराम से बनेगी, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैं सोच के जवाब दो, क्या इसे रूट एक्स पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? रूट एक्स पढ़ने की शर्त क्या है, एक्स का पावर कितना होना चाहिए, वन, और यहाँ पे कितना है, दो। तो इसका हम अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें रूट के अंदर एक्स का पावर वन ही डील करना आया है, और ये रूट में एक्स का पावर कितना है, दो। इसका इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल से बहुत समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर एक्स का पावर वन है तो वो रूट एक्स है, अगर एक्स का पावर वन नहीं है तो फिर हमें नहीं पता वो क्या है, जब आएगा तब देखेंगे। सीधी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन एक्स क्लियर, रूट एक्स क्लियर। नंबर तीन, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया, 1 बाय रूट एक्स, याद है 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन? 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। फिर वही बात, कोई भी एक्सप्रेशन 1 बाय रूट एक्स कब कहलाएगा? 1 बाय रूट एक्स पढ़ने की भी शर्त वही है कि एक्स का पावर उसमें कितना होना चाहिए, 1। अगर तो एक्स का पावर 1 है तो 1 बाय रूट एक्स पढ़ा जाएगा, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते 1 बाय रूट एक्स। एग्जाम्पल देखिए। हाँ जी, क्या इसे 1 बाय रूट एक्स पढ़ा जा सकता है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, 1 बाय रूट एक्स पढ़िए आराम से, क्योंकि x का पावर 1 है। अगर ये 1 बाय रूट एक्स है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट एक्स प्लस में c। दूसरा देखिए। हाँ जी, क्या ये 1 बाय रूट एक्स लिखा है? बिल्कुल लिखा है। अगर ये 1 बाय रूट एक्स है तो 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 रूट एक्स प्लस में c। इंटीग्रेशन तो हो गया, बट एक भूलने वाली चीज है यहाँ पे, क्या x का कोफिशियंट, तो x के कोफिशियंट से आपको डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। नंबर तीन देखिए। हाँ जी, क्या ये 1 बाय रूट एक्स लिखा है? बिल्कुल ये 1 बाय रूट एक्स है। अगर ये 1 बाय रूट एक्स है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट एक्स प्लस सी। बट यहाँ पे भूलने वाली चीज क्या है, x का कोफिशियंट, उससे आप डिवाइड लगा दीजिए। एक और देखते हैं। हाँ जी, क्या इसे 1 अपॉन एक्स पढ़ सकते हैं? भाई 1 अपॉन एक्स पढ़ने के लिए एक्स का पावर 1 होना चाहिए, जो वो 1 है। पी और क्यू के पावर से आपको क्या लेना देना, एक्स का पावर 1 अगर ये है तो इसे 1 अपॉन रूट एक्स पढ़ सकते हैं। अगर ये 1 अपॉन रूट एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स मतलब 2 पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में सी। बट यहाँ भूलने वाली चीज़ क्या है, एक्स का कोफिशियंट जो कि है पी स्क्वायर, तो आपको पी स्क्वायर से डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। बेसिक सी चीज़ है। अब आप मुझे सोच के जवाब दो। हाँ जी, क्या इसे 1 अपॉन रूट एक्स पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि नीचे x का पावर कितना आ गया, 2। अगर x का पावर 2 है तो 1 अपॉन रूट एक्स नहीं पढ़ सकते। अगर 1 अपॉन रूट एक्स नहीं पढ़ सकते तो 2 रूट एक्स इसका आंसर नहीं लिख सकते। तो फिर इसका कैसे होगा, आएगा। अभी हमने रूट में x का पावर 1 से ही डील करना सीखा है, जब x का पावर 2 आएगा तब देखेंगे। सिंपल सी बात है, हटा दे रहा हूँ मैं इसको भी, बेसिक बेसिक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। तीन फॉर्मूले बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गए। नंबर चार, लास्ट क्लास में पहला ही फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन याद है आपको, एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस में सी। ये आपका एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन है।
अब मेरी फिर वही बात, कोई भी एक्सप्रेशन, जब मैंने एक्सप्रेशन शब्द बोला तो दिमाग में ऐसा पिक्चर बन जाना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन x का पावर n कब कहलाएगा, जब उस एक्सप्रेशन में x का पावर 1 होगा। क्या कहना चाह रहे हो सर, आइए दिखाते हैं। हाँ जी, आप सोच कर जवाब दो, क्या इसे x का पावर n पढ़ सकते हैं? x का पावर n पढ़ने की शर्त है कि अंदर x का पावर 1 होना चाहिए, तो अगर x का पावर 1 है तो इसे x का पावर n पढ़ सकते हैं, और अगर ये x का पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। बट सोचिए मैं ऐसा लिख दूं, क्या इसे x का पावर n पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि यहां पे x का पावर 1 नहीं है, तो इसीलिए इसे x का पावर n नहीं पढ़ा जा सकता, बट इसका इंटीग्रेशन अभी किया जा सकता है। इसे आप x का पावर n तो नहीं पढ़ सकते, मतलब इस टेक्निक से तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो फिर इसे कैसे करेंगे? आप नोटिस करिए, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला खोल दूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब एक एक टर्म का इंटीग्रेशन कर दो बारी बारी से, x4 का इंटीग्रेशन x5 बाय 5, 1 का इंटीग्रेशन x2 को नहीं छेड़ना, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस में c। बात समझ में आ गई? और यहां डिवाइड करने मत बैठ जाना, कभी 2 से डिवाइड करने लग जाओ। आप हर टर्म से इंडिविजुअली बात कर रहे हो ना, अगर इंडिविजुअली बात कर रहे हो तो कोफिशियंट नहीं है, कोफिशियंट तो बंधा हुआ होता है जब आप डायरेक्ट उस टर्म पे नहीं पहुंच सकते। अभी एग्जांपल दिखाएंगे, क्लियर है भाई, हो जाएगा आराम से। अब एक एग्जांपल देखिए, हाँ जी, क्या ये x का पावर n लिखा है? बिल्कुल लिखा है, दिस इज, इसको x पढ़ सकते हैं, x पढ़ने की एक ही शर्त है, तो ये x का पावर n है। अगर ये x का पावर n है तो आंसर आ जाएगा x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। एक और देखिए, हाँ जी, क्या इसको x का पावर n पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर ये x का पावर n है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। बट यहां देखिए x का कोफिशियंट भी तो है ना यहाँ पर, x का कोफिशियंट कितना है, a, तो आपको बाद में a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक और देखते हैं, दिस इज द थिंग, ध्यान से सुनना, क्या इसे x का पावर n पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। x का पावर n पढ़ने के लिए एक ही शर्त है कि यहाँ पे x का पावर 1 होना चाहिए। अगर ये x का पावर n है तो इसको ऐसे डील किया जा सकता है, लेकिन ये तो पावर नीचे है, कोई बात नहीं, इसे ऊपर ले चलो, किसने रोका है। तो अब ये x का पावर n है, अगर ये x का पावर n है तो आंसर x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। सारी चीजें तो ठीक है, बट एक चीज नहीं भूलनी, क्या x का कोफिशियंट, यहाँ पे x का कोफिशियंट कितना है, 6, तो आपको 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, डेफिनेटली उसका समाधान किया जाएगा। सो आई होप ये समझ आ गया आप लोगों को, हटा दे रहा हूँ, ये शुरू शुरू में दिक्कत आती है एंड देन फिर एकदम दिमाग में फिट हो जाता है, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेट, तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, 1 बाय एक्स कब, जब नीचे एक्स का पावर 1, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 बाय 3 एक्स 3 बाय 2, रूट एक्स कब, जब अंदर एक्स का पावर 1, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, 1 बाय रूट एक्स कब, जब एक्स का पावर 1, ले देखिए यही बात है कि एक्स का पावर 1 होना चाहिए। आइए फर्दर आगे बढ़ते हैं, पांचवा, एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ई टू द पावर एक्स। सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस में c। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x प्लस में c। आइए एग्जांपल देखते हैं, पहला मुझे इंटीग्रेशन करना है e का पावर 4x का, तो इसे e टू द पावर x पढ़ेंगे। अगर ये e टू द पावर x लिखा है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x प्लस में c। बट समस्या है यहाँ पे x का कोफिशियंट, नोटिस करिए x का कोफिशियंट कितना है, 4, तो 4 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका कोफिशियंट है, 4 x के साथ बाउंड है ना, आप डायरेक्ट 4x से डील नहीं कर सकते ना,
सो दैट्स वाई आपको 4 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। एक आधा एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा प्रॉब्लम है, इसे मैं क्या पढ़ूंगा, e टू द पावर x। अगर ये e टू द पावर x है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x प्लस में c। बट यहाँ पे भूलने वाली चीज़ क्या है, x का कोफिशियंट, एंड x का कोफिशियंट कितना है 5, 5 से आप डिवाइड लगा दो। और देखते हैं, e टू द पावर अल्फा x माइनस बीटा dx, इसे e टू द पावर x पढ़ेंगे। अगर ये e टू द पावर x है तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस में c, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशियंट अल्फा था तो आपको अल्फा से डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। चलिए हटा देता हूँ मैं इसको, एक एग्जांपल और देखते हैं। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको पता है, मैंने आपको बताया था दिस इज डिवीजन, वन अपॉन, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब कई महान लोग आएंगे, इसे वन अपॉन एक्स पढ़ के इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स लिख देंगे। ये हरकत मत कर देना, ये हरकत मत कर देना, मैं आपको बता रहा हूं, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, बट दिस इज नॉट एक्स, दिस इज ई का पावर एक्स। तो नीचे जब एक्स होगा तभी उसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा, अदरवाइज नहीं। दिस इज नॉट वन अपॉन एक्स, दिस इज ई टू द पावर एक्स, तो इसको लॉग एक्स आप नहीं लिख सकते, तो याद रखना ये एक डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे इंटीग्रेशन पता होता है ई का पावर एक्स का, और ये क्या लिखा हुआ है, वन अपॉन ई। तो इसको क्या करिए, आप e टू द पावर x को ऊपर ले जाइए तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, चेक कर लीजिए। अब ये e टू द पावर x बन गया, अगर ये e टू द पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e टू द पावर x प्लस में c। बट समस्या है यहाँ पे क्या, x का कोफिशियंट कितना है यहाँ पर, -1, तो आपको इसको -1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आराम से हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, ये मैं रब कर दे रहा हूँ। अब कुछ बातें आप लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव्स में सीखी होंगी, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ मैं आपको। याद है लॉग m का पावर n, n लॉग m होता है, पढ़ा होगा आपने, लॉग m का पावर n, n लॉग m होता है। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, एन लॉग एम को क्या लिख सकते हैं, लॉग एम का पावर एन। एक चीज तो ये हो गई, दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉग ई वन हो जाता है, लॉग से ई वैनिश कर सकते हैं, लॉग ई वन हो जाता है। क्यों वन हो जाता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा लिख दे कोई ई का पार लॉग एक्स, सो ई और लॉग वैनिश हो गए, वी लेफ्ट विद एक्स ओनली, क्योंकि ई लॉग वन हो जाता है। या कोई ऐसा लिख दे log e का पावर साइन x, तो log e 1 हो गया, आंसर आ गया कितना, साइन x। जैसे मान लो ऐसा लिखा है e का पावर log x स्क्वायर, सो e log तो 1 हो गया, वी लेफ्ट विद x स्क्वायर ओनली। तो ये बात याद रखना कि अगर log और e मिल जाएंगे तो वो एक हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला प्रॉपर्टी, log m का पावर n को क्या लिख सकते हो, n log m। जैसे log x अल्फा है, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा log x। बट मेन ध्यान रखना, इसको बैकवर्ड्स भी अप्लाई कर सकते हैं कि n log m को log m का पावर n लिख सकते हैं। मान लो कहीं लिखा हो 2 log x, तो इसे log x स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अभी का एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छे अच्छे मज़ा आएगा आपको। अब मेन इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है हमारा, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं, ये 4 लिखा है भाई, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, x टू द पावर 4 इंटू ई टू द पावर 3 लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, बहुत इजीली निकलेगा। देखिए प्रोडक्ट है, डेफिनेटली इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, जब तक ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म नहीं हटेगा आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। तो क्या करें, आप नोटिस करिए, आप याद रखना, जब भी आपको एक फ्रेम में ई और लॉग दिखें, देखो ई और लॉग नज़र आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि वो दोनों मिल जाएं, क्योंकि जब ई और लॉग मिल जाएंगे तो वो एक हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर 4 इंटू ई 3 लॉग एक्स, तो ये एन लॉग एम हो गया ना, 3 लॉग एक्स इज एन लॉग एम, तो पावर को ऊपर चढ़ा दो लॉग के, चेक करिए, ये स्टेप परफेक्ट है। ई से लॉग वैनिश हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, एक्स क्यूब, तो दिस इज एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 3 डी एक्स। बचपन में पढ़ा था प्रोडक्ट में बेस सेम तो पावर एड, तो इसका आंसर आ गया कितना, x 8 बाई 8 प्लस में c। बहुत सिंपल है, आराम से बनेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा लिख दे कोई,
तो आप पावर को ऊपर ले जाओगे ना इसके, सो ई लॉग एक्स फाइव, ई से लॉग कट गया, क्या रह गया, एक्स फाइव ओनली, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू। ऐसा हमारा मिसलेनियस में भी एक सवाल दिया हुआ है, सो देख लेना। सेवन लिखा है, इतने सारे ई देख के घबरा मत जाना, हो जाएगा आराम से। अब आप देखो ना, ये एन लॉग एम, एन लॉग एम, एन लॉग एम लिखा है, तो ये सारे, ये जो सेवन ऊपर चढ़ जाएगा, ये सिक्स ऊपर आ जाएगा, ये फाइव ऊपर आ जाएगा। चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, सो दैट की दिक्कत ना हो। हाँ जी, ई लॉग तो वैनिश हो गया, क्या रह गया, एक्स सेवन माइनस एक्स सिक्स अपॉन एक्स फाइव माइनस एक्स फोर डी एक्स। अब आप न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है एक्स सिक्स कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से एक्स सिक्स कॉमन निकालिए, क्या रह गया, एक्स माइनस वन। नीचे से एक्स फोर कॉमन आ रहा है, क्या रह गया, एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया। अब ऊपर एक्स सिक्स है, नीचे एक्स फोर है, तो चार एक्स कट जाएंगे, सो सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया भाई, दिस इज एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस में सी। ये कितना भयानक सवाल देखने में, और आंसर आ रहा है उसका एक्स क्यूब बाय थ्री। सो आराम से कर सकते हैं, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी ऐसा एक सवाल दिया हुआ है। सो आई होप ई टू द पावर एक्स समझ में आया। अब एक नए फॉर्मूले की तरफ मूव कर रहे हैं, फॉर्मूला नंबर सिक्स, ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस में सी। ये ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन है, याद रखेंगे इसको। ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, लिखना है तो लिख लीजिएगा। तो इसका मैं रब कर दे रहा हूँ। सो ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन है ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए। अब ए टू द पावर एक्स है क्या, ए एक कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट के ऊपर पावर एक्स, तो उसे बोलेंगे ए टू द पावर एक्स। और इंटीग्रेशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए। पेपर में आ जाता है, और कई लोगों को तो आता पता ही नहीं है कि ये पेपर सिलेबस में है, पेपर में आ जाता है, फिर देखते हैं कहाँ से आ गया। एग्जाम्पल देखिए, तो होश में रह के पढ़िए, अच्छा रहेगा। दिस इज ए टू द पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस में सी। सिंपल है यार, कौन कौन रोक रहा है। दूसरा देखिए, टू का पावर अल्फा एक्स, तो दिस इज ए टू द पावर एक्स। अगर ये ए टू द पावर एक्स है तो इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए प्लस सी। बट यहाँ भूलने वाली चीज है क्या, एक्स का कोफिशियंट, तो एक्स के कोफिशियंट से आपको डिवाइड भी लगाना पड़ेगा, और एक्स का कोफिशियंट क्या है, अल्फा, तो अल्फा से आप डिवाइड लगा दीजिए। कोफिशियंट तो देखते ही भाप लिया करो, सबसे पहले कोफिशियंट पे नजर चली जानी चाहिए कि भाई ये कोफिशियंट है, और बाद में इससे डिवाइड करना है ताकि आप भूलो ना। ठीक है, इधर देखिए भाई, 2020 बोर्ड में वन मार्कर सवाल, तो ऑब्जेक्टिव टाइप था, लिख देते हैं। ट्वेंटी ट्वेंटी बोर्ड्स का वन मार्कर ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था। अब आप लोग देख लो, दो मिनट लगा लो, एक मिनट लगा लो, और देख लो कैसे होगा, फिर मैं तो बता ही दूंगा। खैर, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ना बच्चे पेपर के अंदर, इतनी सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, क्या बताएं। कई सारे लोगों को तो वन गो में ये आंसर लगता है कि ये है इसका आंसर, बट थोड़ा होश में रहना है, आराम से हो जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हाँ भाई, इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए,
आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये कोई इंटीग्रेशन की चीज़ नहीं है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा क्या, अगर पावर सेम है दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन में तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो दिस इज 12 का पावर एक्स, एज सिंपल एज दैट। तो ये 12 का पावर एक्स हो गया। अब ये ए टू द पावर एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस में सी, ये इसका आंसर है और ये ऑप्शन में भी है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप क्या सोच रहे थे वो आप लोगों को पता है, तो इस तरीके से किया जा सकता है, कोई ऐसा मुश्किल चीज़ थोड़ी है ये। आ गया, ये एक सवाल और करा दे रहे हैं, 2 का पावर एक्स प्लस 3 का पावर एक्स डिवाइडेड बाय 5 का पावर एक्स, इसे कैसे करेंगे? देखिए कुछ महान लोग इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 का पावर एक्स ऊपर लिखेंगे, 5 का पावर एक्स नीचे लिखेंगे, दोनों को काट देंगे। ये हरकतें मत करना भाई, ऐसी हरकतें नहीं करनी है। तो ध्यान से सुनो कैसे होगा ये, ये तो डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, इस सिचुएशन को अवॉइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लो। डिवाइड करने का मतलब अलग अलग कर लो, जब आपने अलग अलग करा तो पहला कुछ ऐसा दिखेगा एंड दूसरा वाला नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या लिखा है, ए टू द पावर एक्स, ये क्या लिखा है, ए टू द पावर एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो आंसर आ गया ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस में सी। बिल्कुल सिंपल, क्लियर है भाई, तो आराम से कर सकते हैं। तो भाई देखिए, आज वाले सेशन में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा कराई, आज वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और इतना ही है आज के लिए। मेन जो चीज़ आज हमने सीखी, वन अपॉन एक्स, रूट एक्स, वन बाय रूट एक्स, एक्स का पावर है, इनको थोड़ा हमने ब्रॉडर वे में देखा, और हमने वो कोफिशियंट वाला पार्ट सीखा कि जब एक्स का कोफिशियंट होता है तो कब होता है एक्स का कोफिशियंट, और जब हमें एक्स का कोफिशियंट मिलेगा तो हमें एक्स के कोफिशियंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। बहुत बेसिक और बहुत मोटी सी बात है ये, और बहुत ज़्यादा परेशान करती है बच्चों को, चैप्टर 9 में जाके बहुत परेशान करेगी। बच्चे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स करते हैं, डिवाइड करना भूल जाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। तो उसके ऊपर हमने आज बहुत काम किया, और देखिए कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए, लेवल भी एनहांस हुआ। अब जो नेक्स्ट सेशन मिलेगा आपको कल, उसमें हम और आगे बढ़ेंगे, तो धीरे 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 ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये कोई रैपिड वाली सीरीज़ नहीं है इंटीग्रेशन की, कि बहुत तेज़ करा दिया जाएगा आप लोगों को, कोई वन शॉट टाइप की सीरीज़ है ये, टिप टू टॉप, क्योंकि अभी हम सितंबर मंथ में हैं और हम इतना समय इंटीग्रेशन पर लगा सकते हैं। बढ़िया से आप लोगों के बेसिक्स तैयार किए जाएंगे, बढ़िया से आप लोगों को कराया जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन कराएंगे कंप्लीट। और जब कभी वन शॉट की बारी आएगी, जनवरी फरवरी जब भी आएगी बारी, तब आप लोगों को पता लगेगा कि भाई आपने ये बेसिक्स करा है, तो आप वो वन शॉट वगैरह 1-1.5 घंटे में पूरा इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। तो अभी मेरा जो मकसद है वो ये है कि बढ़िया से सारे बेसिक्स आपके तैयार कर दिए जाएं, किसी भी जगह कोई लूप होल ना छूटे, तो इसीलिए समय लगा के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है भाई। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, और अगर आपको लगता है कि कोई बात समझ नहीं आई, कोई डाउट है, तो आप कॉमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं, और उसका जवाब डेफिनेटली दिया जाएगा आपको। तो ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।